नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्यान पे और मैं हूं अभिनव सिंह। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हो तो ये वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा ओ लेवल का, रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेट तक कैसे आपको मिलेगा सब कुछ बताऊंगा मैं। एक बात याद रखना, बहुत लोग पूछते हैं सर जल्दी से ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, तो कोई जल्दी शॉर्टकट ओ लेवल का होने वाला नहीं है और उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम को पास भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और एक बात बताऊं, टाइम टाइम पे ओ लेवल में चेंजेस होते रहते हैं। इसके पहले मैं कई वीडियो भी बना चुका हूं लेवल के बारे में, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा ना एकदम लेटेस्ट जो अपडेट आया हुआ है वो बताऊंगा। होता मतलब कभी सिलेबस चेंज होगा, कभी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, कुछ भी चेंज हो सकता है ना, तो आज एकदम लेटेस्ट मैं बताने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा, ओ लेवल क्या है, टाइम कितना लग सकता है आपको, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होगी, जॉब रोल या और फायदे क्या आते हैं ओ लेवल के, पैसे कितने लगेंगे, सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब एग्जाम फॉर्म भरना है, सारी चीजें बताऊंगा मैं। पासिंग मार्क्स कितने नंबर लाओगे तो पास हो सकते हो, कैसे पास करें ये सब कुछ बताऊंगा। एक बात बताऊं, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हो ना तो एक काम जरूर कर लेना आप लोग, क्या गोल्यान ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। देखो मैं भी ओ लेवल पढ़ाता हूँ, ओ लेवल का पेड बैच भी चलाता हूँ। आप देखो, अब आप सोचोगे मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूँ, नहीं, दोनों की फायदा होगा, आपका भी मेरा भी, मेरा भी होना चाहिए लेकिन मुझसे ज़्यादा आपको फायदा होगा। आप गोल्यान ऐप तो पहली बार जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का है, 15 से 20 MB मैक्सिमम होगा ये ऐप, इसलिए आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट आएगा ओ लेवल में उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी मतलब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी अपडेट हो, उसका नोटिस मिलता रहे। कभी कभी यूट्यूब पे नोटिस नहीं जाता नोटिफिकेशन, तो इसके लिए आपको ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ऐप में आपको बताऊं एक बात, फायदे वाली बात, आपके 500 रुपये में जो मिल जाएगा आपको गोल्यान ऐप में ना, वो चीज़ आपको 20,000 में भी उसका 5% भी नहीं मिलेगा, पक्की बात बोल रहा हूँ मैं। जो चीज़ आपको 500 में गोल्यान ऐप में मिल जाएगा, वो किसी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करोगे तो 20,000 में उसका 5% भी नहीं मिलेगा। कहीं कहीं हो सकता अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट की हालत जानता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करो ही मत। देखो वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर रहेगा, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये बात मैं ये नहीं कह रहा, आप ओ लेवल करने कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन सीखना है तो आपको गोल्यान ऐप पे कोर्स लेना ही पड़ेगा। अब इसमें आपका फायदा ज़्यादा है, मेरा भी होगा ना, दोनों का फायदा जरूरी है कि नहीं, ये चीज़ है, नहीं तो लोग कहने लगे सर फायदे वाली बात सोचते हैं ज़्यादा, तो अपना भी फायदा हो आपका भी हो, है कि नहीं। अब देखो व्हाट इज ओ लेवल, तो ओ लेवल जो कराता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको नैलिट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, डोएक ओ लेवल कभी कभी आपको देखोगे ना, जैसे कोई एग्जामिनेशन फॉर्म आता है कोई किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें लिखा रहता है डोएक ओ लेवल, कहीं कहीं पर नैलिट ओ लेवल, दोनों एक चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई फर्क दोनों में नहीं है। अब ओ लेवल ना एक साल का कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स है, क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ये एक 1 ईयर का होता है, 2 सेमेस्टर में कंप्लीट कर सकते हो, इसमें 4 पेपर कुल होता है। लेकिन इसमें फायदा भी एक चीज है ओ लेवल करने में, क्या, इसको आप 6 महीने में भी पूरा कर सकते हो। कैसे, जो 4 पेपर अगर 2-2 पेपर दोगे तो आपको 1 साल लग जाएगा, लेकिन अगर 4 पेपर एक ही साथ में दे दोगे ना, तो आपको 6 महीने के आसपास में ही आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लोग पूछते हैं सर ओ लेवल का इक्विवेलेंट कोई कोर्स है क्या। देखो कोई भी कोर्स अगर करने जाओगे ओ लेवल के, अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो ओ लेवल से जल्दी आप कोई कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ओ लेवल 6 महीने में कर सकते हो, बाकी कोई कोर्स आप 6 महीने में कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए ओ लेवल बेस्ट है और ओ लेवल की वैल्यू है ज़्यादा, इसका कोई डाउट नहीं रहता। अगर ओ लेवल कर लोगे ना, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको कि यार ये चल मान्य होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा ना, एक क्योंकि जो नैलिट है ना, ये भारत सरकार इसको उसके द्वारा चलाया जाने वाला ये संस्था है, और टोटली गवर्नमेंट है, नेशनल सर्टिफिकेट, मतलब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो नेशनल रहेगा, नेशनल लेवल कहीं पर भी चलेगा, तो ऐसा होता है, ये बात जान लेना। अब देखो ओ लेवल 2 तरह से होता है, एक इंस्टीट्यूट से होता है, एक डायरेक्ट होता है, तो कौन सा हमें करना चाहिए ये भी लोग पूछते हैं।
जैसे अभी जॉब कर रहे हो आप, कोई गवर्नमेंट जॉब करो, आर्मी में हो, बीएसएफ में, बहुत सारे लोग करते हैं जो जॉब वाले हैं, मेरे पास मैसेज आता रहता है, तो उनके लिए तो भाई डायरेक्ट ही करना, समझ रहे हो बात। और जैसे आप नॉर्मल हो तो आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। अब दोनों में फर्क, जैसे मैंने बताया, पैसे ज़्यादा, इंस्टीट्यूट में जाओगे तो पैसे आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, समय भी ज़्यादा जाएगा। और डायरेक्ट में क्या होगा, जैसे आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आसानी से सीख लोगे। बहुत लोग डायरेक्ट मोबाइल से भी करते हैं, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप ऐप में देखोगे तो फीचर हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग करने के, लेकिन जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर रहता है उसका अलग होता है, याद रखना ये बात। मैं झूठ बोल इधर उधर की बात करता नहीं, हाँ मेहनत करोगे आपको, जैसे जिसके पास मोबाइल नहीं है फिर भी वो डायरेक्ट करना चाहते हो तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो, आपको खुद एक नोट्स बना लेना, और प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होती है, लिखना हो अपने नोट्स में तो बिना देखे कोडिंग लिखा करो, पहले सीखो समझो फिर बिना देखे कोडिंग लिखो, ताकि प्रैक्टिकल में, बस प्रैक्टिकली टेंशन है, बाकी तो थ्योरी आप पास कर ले जाओगे एमसीक्यू वाला, प्रैक्टिकल में थोड़ा दिक्कत होती है इसलिए कह रहा हूँ मैं। नोट्स में लिखोगे जाना बार बार उसको, तो आपका याद हो जाएगा कोड, आसानी से आप पास कर ले जाओगे, ठीक है। आइडिया बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, मोबाइल रहती है, कंप्यूटर की व्यवस्था भी नहीं रहता, उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास है तो आप लैपटॉप भी खरीद सकते हो, कंप्यूटर खरीद सकते हो, या फिर आप इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करोगे आपको गोलियान ऐप डाउनलोड करना कि वहां पर पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, याद रखना, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, 10+2 मतलब आप 12th पास होना जरूरी है, प्लस ITI भी अगर क्लियर हो गया, 10th प्लस ITI तो भी आप कर सकते हो, 12th नहीं है ITI तो भी हो सकता है। अब इसमें फायदे क्या है, जॉब रोल सबसे बड़ा फायदा बताऊं, इसके साथ आपको CCC का सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाता है। पता है अगर ओ लेवल का जो M1 पेपर होता है इसको कोई पास कर लिया फर्स्ट पेपर, तो CCC का सर्टिफिकेट मिल जाता है, सेम है दोनों का सिलेबस, सब कुछ है। अब इसमें जैसे M1 में आप जानते हो CCC वाला पूरा सिलेबस है, तो एक तरह के ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हो आप, वर्ड प्रोसेसिंग ये सब सीख जाओगे ना पूरा, तो आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस डिजाइनर, वेब डिजाइनर, ये सब, वेब डिजाइनिंग भी है ना इसमें, प्रोग्रामिंग भी है, तो काफ़ी अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है अगर सीखोगे बढ़िया से तो, प्राइवेट सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में आप जानते हो मल्टीपल वैकेंसीज में देखता हूँ, चाहे वो RO में देखा होगा आपने, UPSI का आया था उसमें भी आता है, ASO करके एक आता है उसमें भी आता है, आर्मी में भी लगता है वो लेवल, 15 नंबर का छूट मिलता है आर्मी में, किसमें, क्लर्क में, तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे वो लेवल का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, और वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अब देखो सिलेबस, सिलेबस शुरुआत जैसे IT टूल से होती है, नेटवर्क बेसिक्स, इसमें क्या है, ये शुरुआत है वो लेवल का, मतलब इसमें आप बेसिक सीखोगे, कंप्यूटर चलाना सीखोगे, कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं ये सब नॉर्मल चीज़ें सीखोगे। वर्ड जैसे पहले MS ऑफिस होता था ना सिलेबस में, इसके जगह पे अभी लिब्रे ऑफिस कर दिया है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट उसी तरह से चेंज कर दिया। फिर उसके बाद पहला पेपर जब पढ़ लोगे आप, बेसिक सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए, सब कुछ सीख गए, उसके बाद M2 वेब डिजाइनिंग आता है, पब्लिशिंग, इसमें HTML, CSS, JavaScript, वेबसाइट बनाना आप सीख जाओगे, छोट मतलब फ्रंट एंड का मतलब एक होता है बैक एंड, फ्रंट एंड उसकी लंबी स्टोरी हो जाएगी, वो हम बाद में समझेंगे, क्लास में सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। M3 प्रोग्रामिंग आ जाता है, पाइथन, इसमें पाइथन आप सीखोगे, तो पाइथन पूरा इसमें है, तो वैसे तो देखा जाए तो पाइथन की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जितना सीखोगे ना बहुत कुछ सीख जाओगे आप, पाइथन पूरा एक तरह से ओवरऑल पाइथन सीख जाओगे। हाँ एडवांस चीज़ें जो होती हैं बहुत हाईली एडवांस, उसको बाद में आप सीखोगे जब आप काम करोगे, कहीं नौकरी करोगे, कुछ करोगे तब, अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो। फिर IoT की बारी आती है, इसमें C++ थोड़ा थोड़ा रहता है, बाकी IoT काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो देखो जिसको पढ़ने में मज़ा आता है उनके लिए बहुत मज़ा आने वाला है वो लेवल में, अगर मेरे साथ करोगे तो मज़ा आएगा पक्का, ठीक है। अब आप देखो एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दो एग्ज़ाम आपका होगा। थ्योरी में क्या होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। सेम इसी तरह से ना, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट डिजाइन किया आपके लिए, आप जाओगे ना गोलियान ऐप डाउनलोड जब करोगे ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, तो उसको जरूर लगा देना सब लोग। अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओगे, पढ़ के जाओगे, तो आप थ्योरी में 80+ लेके आओगे, 80+, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहेंगे ना ऐप में, जो कोर्स लोगे तो कॉम्बो पैक ले लेना आराम से, वहां पे देखना।
प्रैक्टिकल और वाइबा में क्या होता है, ये भी अब ऑनलाइन होने लगा है। पहले ये ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन हो गया ये। अब इसमें तीन क्वेश्चन पूछता है, दो ही आपको करना होता है, ऐसा नहीं कि तीनों करना है, दो ही करना होता है। अब जैसे गोल्यान ऐप में जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सब मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसी में से जैसे तीन क्वेश्चन है तो दो तो कम से कम आता ही आता है, तीन भी आता है, किसी किसी में दो ही आता है, किसी तो आपको दो ही करना होता है। तो दो कर लोगे तो 80 नंबर ये मिल जाएगा, प्लस 20 मार्क्स का आपका वाइबा होता है। अब वाइबा क्या पूछेगा, नॉर्मल वाइबा में बहुत हल्का क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हो बात। तो सब में ऐसा होगा, चारों पेपर में ऐसे ही होगा, और 50 मिनट में ये पूरा वाइबा प्रैक्टिकल सब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, पैसे कितने लगेंगे आपके। अगर आप दोस्तों इंस्टीट्यूट से करते हो तो 20 से 25,000 कम से कम इतना तो लगेंगे, इससे ज़्यादा लगते हैं, कहीं पे ज़्यादा लगते हैं, कहीं कहीं पे कम लगते हैं, वो डिपेंड करता है शहर कौन सा है। बड़े शहरों में ना ज़्यादा लगते हैं पैसे, है ना, वो समझदार हो उस हिसाब से रहेगा कोई चीज़। और डायरेक्ट करोगे तो 5,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा। ये जो 5,000 होता है ना, ये सबका लगता है, आप डायरेक्ट कर रहे हो, इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, ओबीसी वाला कर रहे हो, एससी वाला, कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ हो रहा है, सब में 5,000 ये अलग होता है, ये फीस है, ये लगेगा ही लगेगा आपका। ये डायरेक्ट आपको NEET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा होता है ये पैसे, ठीक है। चार पेपर इसमें होते हैं, आगे मैं और बताता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना आप लोग। सबसे स्टेप वन, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, जिसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने 5 साल के लिए फुर्सत, 500 रुपया उसका लगेगा आपका। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, 1 हफ्ते बाद आता है लगभग, इसलिए कह रहा हूँ वो वीडियो देखना, प्रोसेस बताया हूँ सारा मैं। फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा, लॉग इन प्रोफाइल बन जाएगा आपका, लॉक पेपर लॉक किया जाता है उसके बाद, और एक पेपर का 1,000 लगता है, 4 पेपर तो 4,000 हो जाएगा, 500 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 100 का प्रोजेक्ट लगता है। प्रोजेक्ट क्या है ये, प्रोजेक्ट आपको कम से कम 2 पेपर जब आप पास हो जाओगे तभी आप प्रोजेक्ट जमा कर सकते, उसके पहले छेड़ना मत प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, कोई कुछ मत किया करो, 2 पेपर पास हो जाओगे उसके बाद। और टेंशन नहीं है, प्रोजेक्ट मैं भी बनाता हूँ, हमारी टीम बनाती है, उसमें क्या होता है ना, किसी MCA कोई किया हो उसका मार्कशीट लगाया जाता है और सिग्नेचर लगता है, और प्रोजेक्ट एक होता है, प्रोजेक्ट मतलब कोई वेबसाइट बना के उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी MCA का मार्कशीट प्लस उसका सिग्नेचर भी लगता है। जैसे मैंने भी MCA किया हुआ है तो मेरे पास भी मेरा मार्कशीट और सिग्नेचर चलता है, तो आप लोग को मुझसे बनवाना होगा तो 200-300 रुपये चार्ज लगता है बस, ज़्यादा नहीं, बिना टेंशन का आपका बन जाएगा, खुद भी आप बना सकते हो, मैंने सब प्रोसेस बता दूंगा आपको, ऐप में सब मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से मतलब प्रोजेक्ट का बिल्कुल टेंशन मत लेना डायरेक्ट वाले। अब इंस्टीट्यूट वाले भी टेंशन नहीं लेना होता है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट वाले हो तो वहाँ पे देखोगे तो इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं प्रोजेक्ट का, याद रखना, सुनता हूँ ऐसा मैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट डेट, जनवरी में अगर आपको एग्ज़ाम देना है ना तो उसका रजिस्ट्रेशन जून से लेकर सितंबर के बीच होता है। अब आप सोचो कि जनवरी बोल रहे हैं आप, अभी बोले 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल ये नए रजिस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो जैसे आपको जनवरी मान लो देना है तो जून से लेकर सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन होता है, देर मत करना, रजिस्ट्रेशन कर देना। रजिस्ट्रेशन वैसे हमेशा होता रहता है, 12 महीने क्या 10 महीने होता है, बीच में 2 महीने पेपर लॉक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रोफाइल वगैरह बना के फुर्सत ले लेना है, फिर बस पेपर लॉक करना बचा रहे, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बचा रहेगा, अक्टूबर नवंबर में होगा जनवरी के लिए और एग्जाम जनवरी में होगा, इसी में पेपर लॉक होगा आपका। तो जितना पेपर जैसे लॉक करना हो, 2 पेपर भरना है, 2 पेपर भर दो, दो दो करके, जिसको ज़्यादा अर्जेंट हो वही 4 भरा करो, बाकी 2-2 भरा करो, ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर फेल हो गया दोबारा पैसे देना पड़ेगा, ये जो 1,000 रुपये मैंने बताया ना ये दोबारा देना पड़ेगा अगर फेल हो जाओगे तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब उतने भरा करो जितना आप पढ़े हो, पास हो सकते हो आपको लगेगा तो, जिसको अर्जेंट है उनकी बात अलग बात है, जिनका नहीं है तो आराम से पढ़ के करके कर करो। जनवरी में आपको मान लो प्रैक्टिकल हो जाएगा, फरवरी में थ्योरी हो जाएगा, फिर आपका मान लो जुलाई के लिए, दिसंबर से फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में पेपर लॉक होगा, फिर नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर से स्टार्ट मार्च तक चलता है फिर से पेपर रजिस्ट्रेशन, फिर पेपर लॉक अप्रैल मई में होगा। अब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया फिर दोबारा तो करना नहीं है, फिर सिर्फ पेपर लॉक करना होता है बस आपको। मान लो 2 पेपर आपने
अक्टूबर नवंबर में किया था, जनवरी में एग्जाम देके पास हो गए, फिर दो बार अप्रैल मई में कर देना, जुलाई में एग्जाम देके पास हो जाओगे। देखो जैसे जनवरी में एग्जाम प्रैक्टिकल का, थ्योरी एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल तक आपका सर्टिफिकेट फाइनल हो जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट भी बीच में जमा करना होता है, प्रोजेक्ट भेजोगे तो एक आध हफ्ते में लगता है अप्रूव होने में। अब जैसे आप ना कुछ कर पाओ, प्रोजेक्ट हमसे करवा लेना, एकदम इजीली टेंशन फ्री हो जाएगा डायरेक्ट वाले। इंस्टीट्यूट वाले भी करा सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले थोड़ा दिक्कत रहता है, उनका अपना समझ लेना। अब पासिंग मार्क्स, तो देखो आपको दोस्तों ये 33 नहीं बल्कि 40 ईच पेपर, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में कम से कम आपको 40 नंबर तो पाना होगा। दोनों 100-100 का होता है, तो कम से कम तो 40 तो आपको पाना ही होगा। अब जैसे मान लो आप प्रैक्टिकल दिए और 40 नंबर पा गए, बस 40 ही पाए और ज़्यादा नहीं पा पाए, तो आप थ्योरी में कितना पाना होगा आपको? दोनों मिला के ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के भैया 100 पूरा होना चाहिए, 100 प्लस, तभी आप पास हो पाओगे। अब मान लो अब यहाँ पे दिया है थ्योरी का 60% जोड़ा जाता है, प्रैक्टिकल का 40% जोड़ा जाता है। कैसे बता देता हूं, थोड़ा सा आप समझ लो। अब जैसे मान लो आप प्रैक्टिकल में 40 पाए, तो थ्योरी में आपको कम से कम 60 पाना होगा, तब पास हो पाओगे आप। देखो 6, 4, 10 तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा जोड़ा नहीं जाता एक्चुअल में। प्रैक्टिकल का 40% मतलब 40% बराबर 16 आता है, परसेंटेज आता है कि नहीं आपको, इसका 60%, हम यहां से 60% लिख रहा हूं मैंने, ये 60 तो ऐसे बता दिया मैं आपको, नंबर मान लो 60 नंबर आप पाए तो इसका 60% जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा 36, तो दोनों मिला के 52, तो 52 मतलब पास, 50 प्लस होना चाहिए, 50 प्लस टोटल ओवरऑल। तो आप इसको ना समझ पाओ कैलकुलेशन, तो बस सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूं कि अगर प्रैक्टिकल में 40 पाओगे तो थ्योरी में आपको 60 लाना होगा। लेकिन अगर मेरे साथ आप पढ़ोगे और पूरे मॉक टेस्ट अच्छे से लगाओगे, थ्योरी पढ़ोगे बढ़िया से, तो थ्योरी में भैया आप 80 प्लस लेके आओगे और प्रैक्टिकल में भी आप 80 प्लस, अगर पूरे प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, जो मैं सॉल्व कराऊंगा करके जाते हो, तो इसमें भी 80 प्लस लाओगे। तो 80 प्लस मतलब ए ग्रेड, एस ग्रेड आपका बन गया, टॉप कर गए, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि गोलियान ऐप डाउनलोड कर लेना, चाहे आप इंस्टीट्यूट से हो, डायरेक्ट हो, कोई सा भी हो, ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई अपना शुरू कर देना। बस दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल आप सबके लिए रहा होगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो कमेंट्स में पूछना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, मान लो शेयर वेयर भी कर देना अगर कोई फ्रेंड फैमिली कोई भी हो तो। मिलेंगे फिर ऐसी किसी अन्य क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।